नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात की दूसरा एपिसोड और आज है 19 नवंबर 2020 और रोज की तरह आज भी क्रिकेट की कुल 10 बड़ी खबरें निकल के आई है। तो दोस्तों वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, तो गाइस वीडियो को ये लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली खबर की, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला खबर निकल के आता है इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ को लेके। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड का जो सीरीज़ होने वाला था 2021 में, उसका ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हो चुका है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो भी टेस्ट मैचेस होने वाले वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट की, तो दोस्तों यहाँ पे पहला टेस्ट होगा 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज में। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच में खेला जाएगा, और ये सेकेंड टेस्ट होगा जो लॉर्ड की स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 25 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक, और ये खेला जाएगा हेडिंगले स्टेडियम में। और चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक, और ये चौथा टेस्ट रहेगा ओवल में। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली दोस्तों आखिरी टेस्ट, पांचवा टेस्ट खेला जाएगा 10 सितंबर से 14 सितंबर तक, और ये खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफोर्ड में। तो दोस्तों ये रही इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज 2021 की जो शेड्यूल थी वो निकल के आ चुकी, और जल्द ही ODI और T20 आई की भी शेड्यूल जल्द ही आपको मिल जाएगी। और जैसी आपको मिलेगी आपको बस मैं अपने चैनल पर अपडेटेड रखूंगा। तो यही चीज़ बोलता हूँ, कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्रिकेट की कम्युनिटी से अपडेटेड मैं आपको रखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहली अपडेट हो गई, अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो गाइस दूसरी बड़ी खबर निकल के आती है आकाश चोपड़ा के रिलेटेड। जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आकाश चोपड़ा कमेंटेटर बहुत ही फेमस कमेंटेटर है, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पे कमेंट किया। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आकाश चोपड़ा का मानना ये है कि जो चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजेज है वो MS धोनी को रिलीज कर देना चाहिए और ऑक्शन में उन्हें RTM कार्ड की मदद से रिटेन कर लेना चाहिए। दोस्तों ये आकाश चोपड़ा का कहना है, और जो CSK के फैंस है, चेन्नई के फैंस है, वो बहुत ही हेट दे रहे आकाश चोपड़ा को। अब ये कहीं ना कहीं सही है कि गलत है, आप कमेंट में ज़रूर अपना राय दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सही रहेगा कि नहीं कि चेन्नई सुपर किंग को महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करना चाहिए या फिर रिलीज करके मेगा ऑक्शन में मतलब RTM से रिटेन कर लेना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की तीसरी बड़ी खबर के लेके। तो गाइस यहाँ पे तीसरी बड़ी खबर निकल के आती है वुमेन्स बिग बैश लीग के रिजल्ट्स को लेके। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि वुमेन्स बिग बैश लीग के रिजल्ट्स, और वैसे ही आज की बता देता हूँ, आज 2 मैचेस खेले गए थे। पहला मैच खेला गया था दोस्तों यहाँ पे एडिलेड वुमेन्स और मेलबर्न वुमेन्स के बीच में, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे जो मैच था पहला मैच वो मेलबर्न रिनेगेट्स ने 7 विकेट के साथ मैच जीत लिया, और दूसरा मैच सिडनी के साथ था, और यहाँ पे दोस्तों सिडनी सिक्सर ने ये मैच आराम से 4 रनों से जीत लिया। जो दूसरा मैच था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आखिरी गेंद तक मैच गया था क्योंकि बहुत ही रोमांचक मैच था, और फाइनली दोस्तों सिडनी सिक्सर जो थी वो 4 रनों से मैच जीत गए। दोस्तों वही बात है पॉइंट्स टेबल की तरफ, तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में वुमेन्स बिग बैश लीग का भी करंटली सभी टीम से 12-12 मैचेस खेल लिए, और सबसे ऊपर मेलबर्न है। फिर दोस्तों यहाँ पे नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पे दोस्तों ब्रिस्बेन हीट है, और यहाँ पे दोस्तों नंबर 3 पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 3 पे सिडनी थंडर है, और नंबर 4 की बात किया तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 4 पे पर्थ स्कोचर्स है। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल का लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया। तो गाइस ये रही दिन भर की तीसरी बड़ी खबर, अब बात करते दिन भर की चौथी बड़ी खबर को लेके। तो गाइस यहाँ पे दिन भर की चौथी बड़ी खबर निकल के आती है मिचेल स्टार्क के हवाले से। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मिचेल स्टार्क ने किंगस्टन पंजाब ने मिचेल स्टार्क को खरीदा था, और यहाँ पे दोस्तों जो उसके जगह सेल्डन कोटरेल आए थे रिप्लेस होके, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अब सेल्डन कोटरेल को मतलब रिलीज कर देगी किंगस्टन पंजाब, और मिचेल स्टार्क मतलब आ जाएगी, और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि जो मिचेल स्टार्क है वो किंगस्टन पंजाब की टीम की तरफ से IPL 2021 खेलेंगे। अगर ऑक्शन में भी जाते हैं तो आराम से किंगस्टन पंजाब मिचेल स्टार्क को खरीद सकते हैं। अगर आप किंगस्टन पंजाब के फैन हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों मिचेल स्टार्क अगले ही सीजन में जल्द ही वापस आपको लौट मतलब दिख जाएंगे।
तो दोस्तों बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर को लेकर। तो गाइस दिन भर की पांचवी बड़ी खबर निकल के आती है आईपीएल 2021 में 10वीं टीम को लेकर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आईपीएल के बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, कभी लगते हैं कि 9 टीम्स खेलेंगे, कभी लगते हैं 10 टीम्स खेलेंगे, और दोस्तों आज लगता है कि 9 टीम्स खेलेंगे। कल अपडेट निकल के आता है कि बीसीसीआई सोच रही कि 10वीं टीम को हेल्ड कर ले। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, अभी फिलहाल जिस हिसाब से बीसीसीआई का नुकसान हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल का जो स्पॉन्सरशिप का जो पैसा था, जैसे कि 400 करोड़ समथिंग कुछ वीवो देती है टाइटल स्पॉन्सरशिप का, लेकिन दोस्तों इस साल ड्रीम इलेवन ने टाइटल स्पॉन्सर किया था और मात्र 220 करोड़ आई थिंक मतलब समथिंग 220 करोड़ के रुपया दिया था, और इसमें लगभग 200 करोड़ का नुकसान टाइटल स्पॉन्सरशिप में मिला था। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो सौरभ गांगुली का यही लगता है कि 9वीं टीम आ सकती है, 60% चांस है, लेकिन दोस्तों 10वीं टीम का आई थिंक मुझे कोई चांस नहीं लगता है। एक नई टीम आ सकती है, लेकिन दो नई टीम्स आने का चांस बहुत ही कम लगता है। दोस्तों आप जैसे भी कोई भी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं कि 10 मतलब की टीम आएगी, वो फेक है, क्योंकि दोस्तों अभी तक ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं पर भी नहीं आया है। तो गाइस बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर को लेकर। जैसे यहाँ पे दिन भर की छठवीं बड़ी खबर निकल के आती है रिद्धिमान साहा को लेकर। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि रिद्धिमान साहा भी स्क्वाड में आ चुके हैं, इंडिया के स्क्वाड में, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी टेस्ट सीरीज, ओडीआई सीरीज और T20I। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो में कि रिद्धिमान साहा ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है नेट में टेस्ट मैच के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि रिद्धिमान साहा टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं विकेट कीपर के तौर पे और बैट्समैन के तौर पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिद्धिमान साहा ने भी आराम से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया है। तो दोस्तों बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर बहुत ही दुखद खबर निकल के आती है, जैसे कि दोस्तों बांग्लादेश के क्रिकेटर ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि दो दिन पहले ये न्यूज़ निकल के आई थी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर है, क्रिकेटर है, उनका नाम है सौजीब हुसैन, और वो सुसाइड कर लिए हैं। सुसाइड करने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी वर्ल्ड कप आने वाला है और वर्ल्ड कप में सौजीब हुसैन को सिलेक्ट नहीं किया है, और इसी कारण से, इसी प्रेशर, इसी डिप्रेशन से वो सह नहीं पाए और फाइनली उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद बड़ी खबर है हमारे क्रिकेट फैंस के लिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आठवीं बड़ी खबर लेके, यहाँ पे आठवीं बड़ी खबर निकल के आती है टीम इंडिया के शेड्यूल के लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया के 2021 के जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होने वाले उसके पूरे शेड्यूल निकल चुका है, यानी कि कौन कौन से मैचेस कहाँ कहाँ होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात किया सबसे पहले कि गाइस यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला था जनवरी से मार्च के बीच में, लेकिन दोस्तों ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये मैच होगा कि नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आई थिंक ये कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा आता है कि जो आईपीएल होगा 2021 का वो अप्रैल को होगा, और यहाँ पे जून को इंडिया श्रीलंका जाएगी और 3 ODI 5 T20 खेलेगी, और यहाँ दोस्तों 14 जून से जुलाई तक एशिया कप होगा, और यहाँ पे दोस्तों जुलाई के ही एंड में इंडिया जिम्बाब्वे जाएगी, सिर्फ 3 वनडे होगा, और यहाँ पे जुलाई से लेकर सितंबर तक इंडिया और इंग्लैंड का मैच होगा, 5 टेस्ट, और यहाँ पे दोस्तों अक्टूबर में होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का 3 ODI और 5 T20 होगा, और वहीं पे अक्टूबर से नवंबर के बीच में ICC का T20 वर्ल्ड कप होगा, और यहाँ पे दोस्तों नवंबर से दिसंबर तक इंडिया न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट मैचेस हो गए और T20Is हो गए, और दिसंबर को दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका का टूर होगा और यहाँ पे 3 टेस्ट और T20I खेला जाएगा। यानी कि दोस्तों 2021 बिल्कुल रोमांचक से भरा रहेगा टीम इंडिया के लिए और आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टीम इंडिया के मैचेस होने वाले हैं। तो गाइस ये रही आठवीं बड़ी खबर। अब बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर लेके। दोस्तों यहाँ पे दिन भर की नौवीं बड़ी खबर निकल के आती है सैरफेन रदरफोर्ड के हवाले से। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि सैरफेन रदरफोर्ड एक क्रिकेटर है और ये दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेले थे 2020 में, और उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ खेलते हुए आपको पता होगा कि आईपीएल 2020 मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि आईपीएल के तुरंत बाद जो सैरफेन रदरफोर्ड थे वो गए पाकिस्तान और पीएसएल
आईपीएल का भी हिस्सा बने और फाइनली उनकी जो कराची टीम थी वो पाकिस्तान सुपर लीग का भी मतलब टाइटल जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक हफ्ते के अंदर में सैफियन रदरफोर्ड ने दो टाइटल जीते, एक आईपीएल का टाइटल जीता है और पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीता। आई थिंक मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा लकीएस्ट मैन क्रिकेट में आई थिंक कोई होगा और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है कि एक हफ्ते में दो दो टाइटल जीतना एक प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हेम। तो गाइस अब बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो गाइस यहाँ पे अगला अपडेट निकल कर यानी कि दसवीं बड़ी खबर निकल के आती है टीम इंडिया की न्यू किड स्पॉन्सर्स को लेके। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो टीम इंडिया के जर्सी में आपको पता होगा कि जर्सी के मिडल में जैसे कि बाय जूस लिखा रहता था, लेकिन दोस्तों अब नया टाइटल किड स्पॉन्सर मिल चुका है, वो है एमपीएल। जी हाँ दोस्तों, एमपीएल ने नया टाइटल किड स्पॉन्सर किया है और यहाँ पे दोस्तों अब जो भी टीम इंडिया के मैचेस हो गए तीन साल तक मतलब कि इंडिया के जर्सी में एमपीएल का लोगो लिखा हुआ आएगा। तो गाइस ये भी बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए। तो गाइस ये रही आज दिन भर की 10 बड़ी खबर। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही क्रिकेट कम्युनिटी से मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। तो गाइस आपको एक ही चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप दो तीन राय भी दे सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा कि आपको क्या किस टाइप की वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।